हेलो एवरीवन, स्वागत सभी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टीचिंग मैप पे। तो इसके लास्ट वीडियो में आपने समझा कि प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हमने बहुत सारे डिवीजन देखा, बहुत सारे उसके पार्ट्स देखे, कौन से ग्रुप में आता है कौन सा प्लांट, उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बाद में जानेंगे। पर हमने ये समझा कि ऐसे कौन कौन से स्पेशल फीचर होते हैं जिनकी वजह से हम प्लांट किंगडम में ही बहुत सारे मतलब के तरह के प्लांट्स को हम अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप है और उन ग्रुप की स्पेशलिटीज़ क्या हैं जिससे हम उन ग्रुप्स में उस तरह के प्लांट्स को हम रखते हैं। तो हम इसी तरह की एक डिवीज़न देखने जा रहे हैं आज इस वीडियो में, जो है थैलोफाइटा। तो इसको आप स्पेशल डिवीज़न भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ है ऐसे फीचर्स जो प्लांट से इसको सबसे अलग बनाता है। अलग कहने का मतलब ये है कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में जो उसके पार्ट्स होते हैं, रूट होता है, लीफ होता है, फ्लावर, स्टेम, और ये मतलब प्राइमरी पार्ट्स हो गए प्लांट के, जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो उसके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वैस्कुलर टिश्यू को फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे इनके फीचर्स होते हैं प्लांट के, जो उसके पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स अलग अलग अपना फंक्शन रोल प्ले करते हैं। पर अगर हम थैलोफाइटा में बात करें तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स में आता है। हम इसमें पढ़े थे कि एक कैटेगरी था जिसमें हम लोग अनडिफ्रेंशिएटेड फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई किया था। थैलोफाइटा होता है इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट आते हैं। कैसे अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब ये है कि इसका जो पार्ट्स है, ना ही इसको रूट में अपन लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ना ही इसको स्टेम में कर सकते हैं, ना ही लीफ में, ना ही फ्लावर। इसका कोई भी पार्ट्स विजिबल नहीं होता क्लियरली कि हम कह सकें कि हाँ ये वाला पार्ट इसका स्टेम है, ये वाला पार्ट इसका रूट है, क्लियरली विजिबल नहीं होता। एक प्लांट एक नॉर्मल प्लांट्स की तरह है। तो इसके फीचर्स हैं कुछ जो इसको एक यूनिक प्रोवाइड करते हैं, यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं। थैलोफाइटा में देखें तो इसका पहला ही फीचर है कि ये क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट। अब अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब मैंने बता चुका है क्या है, थैलस लाइक। थैलस का मतलब भी वही होता है कि वो एक नॉर्मल प्लांट की जैसे अपने पार्ट्स को डिफ्रेंशिएटेड ना बना सके, तो वो थैलस में आता है, जिसके पार्ट्स जो है वो अलग अलग तरह से विजिबल ना हो। जो उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, नया थैलस पॉपुलेशन तैयार करते हैं, तो वो सिंगल सेल्ड होता है सिंगल सेल्ड होता है, यूनि सेल्ड कह सकते हैं। जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू का काम ही होता है कि फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, जिससे प्लांट ग्रो कर सके और उसको एक हेल्दियर इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट मिल सके। तो वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जनरली मोर देन वन सेल्स के होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लियर हम बोल सकते हैं, मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं उस चीज को, तो वो होते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू में अगर अपन नॉर्मल प्लांट्स का देखें तो उसमें जनरली दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो अगर हम फ्लोएम को देखें तो जो फ्लोएम होता है वो करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, और जाइलम करता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। तो जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो उसके फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसके पास सेल वॉल होता है, क्योंकि ये एक प्लांट का इनिशियल स्टेज है, इस कारण इसमें सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल भी इसका सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से लिख लेते हैं। इसमें दो तरह के वैस्कुलर टिश्यू होते हैं नॉर्मल प्लांट के, अपन देखें तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। फोटोसिंथेसिस में अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट अपना बनता है ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज होता है तो ये उसी वक्त उसके प्रोसेस में क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है थैलोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं, तो उनमें ग्लूकोज क्या हो जाता है, लग जाता है। पर जो रिमेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं या एनर्जी है, वो स्टार्च के रूप में उस बॉडी पार्ट्स में स्टोर रहता है कि वो फर्दर जब भी रिक्वायरमेंट्स हो एनर्जी की या ग्लूकोज की, तो वो उसमें फुलफिल कर सके। तो वो होता है मोस्टली जो थैलोफाइटा प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगर हम इस थैलोफाइटा के डिविजन्स में जो प्लांट्स आते हैं उनमें अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो रिप्रोडक्शन अमलगेमेशन एक प्रोसेस होता है। अमलगेमेशन इसमें क्या होता है कि दो गैमेट्स का
मर्जिंग, जब दो गैमेट्स आपस में मर्जिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है अमलगेमेशन। तो अमलगेमेशन के हेल्प से या उसके प्रोसेस से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, थैलोफाइटा प्लांट्स में। अगर हम असेक्सुअल की बात करें तो वो होता है स्पोर्स के द्वारा, जो प्लांट्स पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में सेग्रीगेटेड होते हैं। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है एक साथ इतना क्लोज होते हैं कि हम लोग को मालूम ही नहीं चलता कहाँ पर स्टेम है, कहाँ लीफ है, कहाँ रूट है, क्लियरली विजिबल नहीं होते। इसी कारण सेग्रीगेशन में उसको रखा गया है। अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें तो इसमें स्पाइरोगाइडा होता है, एलोथ्रिक्स होता है, क्लाडोफोरा होता है। वो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, वो है ग्रास। तो ग्रास को आपने देखा होगा तो उसका आप ना ही फ्लावर बता पाओगे, ना ही स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ क्या है, वो पूरा स्टेम लीफ और फ्लावर का पूरा एक लीफ जैसा ही दिखता है ग्रास एक तरह से। तो इसमें जिसमें पैरेलल वेरिएशन पाया जाता है, एक तरह से अपन एक फीचर देख सकते हैं कि जो ग्रास होता है उसमें पैरेलल वेरिएशन पाया जाता है, और दैट टू प्लेट जनरली नॉर्मल प्लांट्स में होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतनी था कि थैलोफाइटा क्या होता है और उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो हाँ, थैलोफाइटा में जो थैलोफाइटा एक डिवीजन है तो उसमें कुछ कैटेगरीज आते हैं, कुछ ग्रुप्स आते हैं, जैसे अपना एल्गी को रख सकते हैं, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। पर क्या हुआ था कि लेटर कुछ अलग फीचर्स पाए जाने के कारण फंगी और बैक्टीरिया को एक अलग ग्रुप डिवाइड कर दिया गया, पर एल्गी को इसी में कंसिडर किया गया थैलोफाइटा डिवीजन में। क्योंकि एल्गी ऐसा होता है जिसमें अपन लोग मतलब मालूम ही नहीं कर पाते कि उसका डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स कहाँ कौन सा है। तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इसके आने वाले डिवीजन्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं थैलोफाइटा से। थैंक यू।